नजर आता है। वहीं पर 24 फरवरी 2022 को आप समझिए, दरअसल ये तारीख यकीनन आपको याद होगी क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हमला कर दिया था और तब से ही लेकर आज तक 2 साल से ज्यादा बीतने यहां पर चले हैं। किस तरह से ये युद्ध जो है आगे बढ़ता रहा और अब तक नतीजा यहां पर नहीं निकला, कई सैनिक कई लोग जो है उसमें अब तक मारे जा चुके हैं। दूसरा युद्ध आपको बताते हैं जो कि 7 अक्टूबर 2023 को, लेकिन ये 12 अप्रैल 2024 ईरान इसराइल युद्ध जब शुरू हुआ था इसकी शुरुआत यहां पर हुई थी और तब यकीनन लगा भी नहीं था कि महायुद्ध की ये जो स्थिति है वहां पर कुछ इस तरह से नजर आएगी। और इस दिन फिलिस्तीन की ओर से हमास के आतंकी, यानी किस दिन का हम जिक्र कर रहे हैं, दरअसल हम दूसरा युद्ध 7 अक्टूबर 2023 का जिक्र कर रहे हैं, वो भी इस वक्त आपके सामने जरूर आएगा जिसमें हमास के आतंकी सुबह सुबह इसराइल में घुस गए, मारकाट यहां पर मचा दी गई और बदले में आपको बता दें कि इसराइल ने 5000 रॉकेट से हमास के खिलाफ बड़ा हमला बोल दिया और ये हमला अब तक यहां पर बदस्तूर जारी है। 12 अप्रैल की डिटेल इस वक्त आपके सामने थी जो हमने यहां पर दी, जिसमें 12 अप्रैल 2024 यानी आज की तारीख, जिस दिन आशंका जताई जा रही है ईरान किसी भी वक्त इसराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकता है और ये जो टाइमलाइन यहां पर सामने आ रही है वो 24 से 48 घंटे की आ रही है। अब देखते हैं ईरान इसराइल के बीच युद्ध की सूरत में कौन किस पर भारी पड़ सकता है। आप ये स्क्रीन पर इस वक्त देखिए किसके पास कितनी ताकत को समझने के लिए वो मीटिंग भी नजर आती है, वो बड़े चेहरे और वो युद्ध नजर आ सकता है जो कि यकीनन डराता है घबराता है और इसके पहले ईरान के सैनिक क्षमता कितनी है ये भी जानेंगे। वक्त की सबसे बड़ी खबर ईरान इसराइल के टकराव से जुड़ी, ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पश्चिमी मीडिया से लेकर सोशल साइट तक। ये खबरें चल रही हैं कि ईरान अगले 24 घंटे से 48 घंटे के भीतर इसराइल पर बड़ा हमला कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो दुनिया और सटीक जवाब देने के लिए तैयार है, किसी भी हमले का जवाब वो दे सकता है फौरन उसी पल। और इस बीच भारत और अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है, यानी कि खतरा बहुत बड़ा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी में भारतीयों को सलाह दी गई है कि वो अगली सूचना तक ईरान और इसराइल देशों की यात्रा करने से बचें। दूसरी तरफ कतर और कुवैत ने अमेरिका को साफ लहजे में कह दिया कि वो ईरान के खिलाफ अपने ठिकानों का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये बहुत बड़ी खबर है एक विश्व युद्ध को लेकर। ईरान अपने 2 जनरलों की मौत का बदला इसराइल से ले सकता है, पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस बार ईरान के भीषण हमलों के सामने इसराइल का सुरक्षा कवच पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। इसराइल ने ईरान